कानपुर रेल हादसे में मृतकों की तादाद बढ़कर 131, राहत और बचाव का कार्य जारी, ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाया जा रहा है। अभी भी बोगियों में फंसे हैं लोग, कानपुर रेल हादसे पर संसद में आज चर्चा संभव, बड़ा सवाल, ट्रेन दुर्घटनाओं पर रोक के लिए कब आएगा कारगर प्लान। दो दिन में तीन रेल हादसे, आज झांसी में पटरी से उतरे मालगाड़ी के दो डिब्बे, कल कानपुर में पटरी से उतरी थी पैसेंजर ट्रेन, छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी हुई थी डिरेल। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में 11 फाइटर जेट्स का दिखेगा जलवा। नोटबंदी पर आज फिर संसद में हंगामे के आसार, कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, आगे की रणनीति के लिए विपक्षी दलों का मंथन। आज फिर से बैंकों में नोट बदलने का काम होगा शुरू, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एटीएम के बाहर खड़े लोगों से मिले राहुल गांधी। कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक और जवान शहीद, तीन जख्मी, सुरक्षा बलों ने सीज फायर उल्लंघन का दिया मुंहतोड़ जवाब। सतलुज यमुना लिंक मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज इलाहाबाद में इंदिरा जन्म शताब्दी समारोह में जुटेगा गांधी परिवार, इंदिरा पर चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी सोनिया, राहुल प्रियंका भी रहेंगे मौजूद।